हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल वामा ब्लूमिंग गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको 10 ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो बल्ब से भी ग्रो हो जाते हैं और बरसात के सीज़न में बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाते हैं। परमानेंट प्लांट होते हैं और ये साल भर आपको फ्लावर प्रोवाइड करते हैं, फूल देते हैं। फर्स्ट प्लांट मैं आपको रजनीगंधा का बताना चाहती हूँ। ये रजनीगंधा का प्लांट मैं नर्सरी से बाय किया है और इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे बल्ब हैं और इसको मैं सेपरेट करके कई सारे प्लांट बना सकती हूँ। लेकिन अभी मैं इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है और ये और भी अच्छे से ग्रो करेगा और उसके बाद में अभी फ्लावर भी नहीं दे रहा है, छोटा प्लांट है, इसलिए मैं इसको अभी सेपरेट नहीं कर रही हूँ। और इसमें थोड़े से और भी ये अच्छे से चल जाएगा, फिर मैं इसको अलग अलग पॉट में रिपॉट करूँगी। और ये नर्सरी का ही पॉट है और इसको मैं घर पे लाकर अभी इसको रिपॉट नहीं किया है। आप देख सकते हैं वैसा ही लगा हुआ है और इसमें बहुत सारे बल्ब भी दिए हुए हैं। जो आप इसको सेपरेट करेंगे तो कई सारे प्लांट ये बन जाएंगे। और ये रजनीगंधा का प्लांट एक अगर आप लगा लेते हैं बल्ब तो बहुत सारे इसमें हो जाते हैं और ये इतना ज़्यादा ये महकता है फूल कि आप इसको लगाएँगे तो ये बहुत ही सुगंध से पूरा भर देता है और इसका फ्लावर भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके बारे में मैं भी दिखाऊंगी, मैं इसके फ्लावर भी आपको दिखाऊंगी। और नेक्स्ट प्लांट है और सेकंड प्लांट मेरा अमेरिस लिली है और इसमें भी आप देख सकते हैं कई सारे बल्ब हैं और ये भी नर्सरी से मैंने बाय किया है अभी जल्दी ही। और इसको भी अगर सेपरेट करेंगे तो 1, 2, 3 और कई सारे प्लांट इसमें बन जाएंगे, आप देख सकते हैं। और इसको भी मैंने अभी रिपॉट नहीं किया है और ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, हार्डी प्लांट होता है और इसको भी आप साल भर इससे फ्लावर मिल जाते हैं। जब इसका सीज़न आता है तो ये फ्लावर देते हैं। और इसी की तरह की इसका दूसरा शेड भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैंने लाया और ये भी बहुत ही अच्छे कलर में दिखाई देता है। और इसका ये पिंक शेड का, वाइट शेड का ये लिली है और इसको अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है और मैं ऐसा ही इसको नर्सरी से बाय किया है। उन्होंने बताया था कि ये वाइट कलर के इसमें फ्लावर आएंगे और ये लिली के प्लांट है और जो कि काफ़ी अच्छा कलर आता है। और इसमें जब भी फ्लावरिंग होगी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी थर्ड प्लांट कौन सा आप इस बारिश में लगाएं जो साल भर आप। और ये अमेरिस लिली आप देख सकते हैं किस तरह से अच्छे से ग्रो हो रहा है और इसका भी फ्लावर निकला था जो कि सूख गया है और काफ़ी अच्छा फ्लावर था पिंक कलर का और बहुत सुंदर लगता है प्लांट। अभी इसमें फ्लावरिंग होनी बाकी क्योंकि अभी जल्दी ही रिपॉट मैंने इसको किया है और आप देख सकते हैं इसका रिपोर्टिंग अभी। एक्जोरा को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और नेक्स्ट प्लांट ये एक्जोरा का ही है और इसमें रेड कलर की फ्लावरिंग आप देख सकते हैं और इसमें बर्ड्स बन रही हैं और कुछ इसमें बन के फ्लावर खिल चुके हैं, ये देखिए। और रेड एक्जोरा मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी नर्सरी पर और पिंक वाला ही मिल रहा था लेकिन रेड वाला भी मुझे मिल गया। और ये बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट होता है, इसकी कटिंग भी ग्रो हो जाती है, आप इसको लगा सकते हैं, इसके स्टेप यहाँ से कट करके लगा सकते हैं। और अभी बहुत छोटा प्लांट है इसलिए मैं इसकी कटिंग नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा सा ये ग्रो कर जाएगा फिर मैं इसकी कटिंग ज़रूर बनाऊँगी। और 1 कटिंग मैंने इसकी बना भी ली है यहाँ से कट करके और यहाँ से ग्रो करने लगा है, आप देख सकते हैं। और ये भी बारिश में लगाएंगे तो साल भर आपको फूल ये देता रहेगा और इसके भी फ्लावर जब गुच्छों में खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और आप देख सकते हैं इसको मैंने कैसी सॉइल में लगाया है और इसकी बस मॉइस्ट सॉइल रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट प्लांट मेरा रोज़ प्लांट है। आप किसी भी कलर का प्लांट लगा सकते हैं और मुझे ये पिंक कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था और ये वाइट कलर का रोज़ खिला था, इसमें पिंक कलर के शेड हैं। और ये मेरा प्लांट ख़राब हो गया था, ग्राउंड में इसको लगा रखा था तो मैंने इसको अब गमले में लगाया है। और अब की मेरे बहुत सारे प्लांट रोज़ के ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी। और ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी हार्डी प्लांट होता है और साल भर इसमें फ्लावर आते रहते हैं और ये बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाता है। देखिए मुझे एक हफ्ते भी नहीं हुए और इसमें नई नई पत्तियाँ आने लगी हैं। और ये देशी वाले भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं लेकिन वो तो ज़मीन में भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन इसको मैंने गमले में लगा रखा है और देख सकते हैं कि इसका फ्लावर कितना अच्छा सा आया है। और अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे ये फ्लावर बहुत अच्छे फ्लावर आए। नेक्स्ट प्लांट मेरा रेन लिली है, आप देख सकते हैं इसको अभी भी मैंने इसके सारे बल्ब लगाए हुए हैं और ये सारे ही बल्ब देख सकते हैं अलग अलग मैंने लगा दिए क्योंकि बहुत जल्दी घना हो जाता है और पूरा पॉट भर जाता है और काफ़ी अच्छा होता है रेन लिली। इसमें बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं जो काफ़ी सुंदर लगता है, हार्डी प्लांट होता है और ये पूरे
साल आपको फ्लावर देगा। नेक्स्ट प्लांट मेरा है छोटी चांदनी, जो कि इसमें लगा हुआ है, और बारिश, पहले गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे बारिश हुई तो इसका कलर कितना ग्रीन हो गया है, और काफ़ी अच्छा प्लांट है। और इसी में मैंने इसकी कटिंग भी लगा दी है गुड़हल की, और ये गुड़हल भी आप ग्रो कर, ये 10 प्लांट्स अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप इस सीज़न में आप इसको लगा सकते हैं, और ये परमानेंट ग्रो करते हैं और परमानेंट ये फ्लावरिंग करते हैं। और आपको अच्छे लगे वो वीडियो तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे ब्लूमिंग गार्डन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।